ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है एकदम, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए, कमंडल हाथ में छड़, ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा कब विश्राम, कोई मतलब नहीं आहार, भगवदाकार वृत्ति। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए, बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसी प्रवृत्ति जो हम अनेक जन्मों से करते आए हैं, वही इस महामहिम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम पुनः गलती दोहरा रहे हैं। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं, आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे, आज तक संसार का नाम गुणगान करते रहे प्रपंच का, अब मैं प्रपंचातीत प्रभु के नाम का उनके गुणों का गायन करूंगा।